देश भर में भीषण गर्मी के बाद अब एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR और UP के साथ साथ कई राज्यों में राहत भरी खबर दी है। IMD के मुताबिक भीषण गर्मी के बाद अब दिल्ली में आंधी तूफान के साथ साथ हल्की बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आने वाली है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने वाली है। एक और जहां मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में 8 से 10 मई के बीच हीटवेव का नया दौर आने की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही दक्षिण के राज्यों में भी हीटवेव से लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। पूर्वी और दक्षिण भारत में 11 मई तक कई राज्यों में बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे के मौसम की अगर बात करें तो तमिलनाडु तेलंगाना में हीटवेव की स्थिति देखी गई। तमिलनाडु तटीय आंध्र प्रदेश तेलंगाना रायलसीमा में भारी बारिश हुई। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश विदर्भ नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश में ओले गिरे। बीते दिन सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया, जहां 45.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल सिक्किम में 8 से 11 मई, बिहार झारखंड ओडिशा में 8 से 12 मई के बीच हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ में 8 से 12 मई के बीच बारिश आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा में अगले 7 दिनों के दौरान बारिश होगी। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश विदर्भ के इलाकों में 8 और 9 मई को ओले गिरने की संभावना जताई गई है। दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल तटीय आंध्र प्रदेश यनम रायलसीमा तेलंगाना में 8 से 12 मई के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है। आंधी तूफान और बिजली कड़कने की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में 9 मई को एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस दस्तक देने जा रहा है, जिसकी वजह से कई जगहों का मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में 9 से 12 मई के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने जा रही है। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों के दौरान कई जगह ओले गिरेंगे। वहीं हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब राजस्थान में 10 से 12 मई उत्तर प्रदेश में 8 से 12 मई के बीच हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 से 12 मई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 मई हरियाणा पश्चिम राजस्थान में 10 से 12 मई और पूर्वी राजस्थान में 10 मई को आंधी तूफान और धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। खैर इस खबर में इतना ही। देश भर में बदलते मौसम को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।